मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 सितंबर से देश भर के कई टोल प्लाजों पर अब आपको ज्यादा टोल चुकाना होगा। कोलकाता, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजधानी दिल्ली सहित कई अलग अलग हाईवे और अलग अलग राज्यों में टोल टैक्स में बढ़ोतरी की गई है। आपको बता दें कि यह बढ़ोतरी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI के द्वारा की गई है। सरकार के इस फैसले के बाद इन तमाम टोल प्लाजों पर टोल टैक्स लगभग 5% तक महंगा होगा। आइए सीधा जान लेते हैं कि किन किन रूट में जाने पर आपको ज्यादा टोल टैक्स भरना पड़ेगा। क्योंकि ट्रक अलग अलग राज्यों और अलग अलग हाईवे पर जाता है, इसलिए खासकर ट्रक मालिकों के लिए जानना ज्यादा जरूरी है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही खबर से अलर्ट रहने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। टोल टैक्स में बढ़ोतरी वाले राज्यों और हाईवे का नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। करनाल पानीपत जाने वाले NH 44 पर मंथली पास और पर्सनल वाहनों दोनों के लिए टोल टैक्स को बढ़ा दिया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश के सीतापुर टोल पर एक तरफ जहां 2 चक्का वाले वाहनों के से छूट है, वहीं कार्स, जीप्स, वैन्स, मिनी बसेस सहित ट्रक मालिकों को अब ज्यादा टोल देना होगा। जबकि जयपुर मानेसर टोल से गुजरने वाले सभी वाहनों को अब 1 से 4% तक अधिक टोल टैक्स भरना पड़ेगा। वहीं दिल्ली बदरपुर हाईवे से गुजरने वाले सभी कमर्शियल और सामान ढोने वाले हल्के वाहनों और मिनी बसेस के सिंगल ट्रिप, ज्यादा ट्रिप और मंथली पास के लिए भी अब उन्हें ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। इसी तरह तमिलनाडु में 21, कोलकाता में 15 और महाराष्ट्र में 4 टोल प्लाजों पर वाहनों के लिए टोल टैक्स बढ़ा दिया गया है। इस बारे में पूछे जाने पर NHAI के एक अधिकारी ने कहा कि टोल टैक्स में हुई ये बढ़ोतरी हर साल 1 सितंबर को होने वाली नियमित बढ़ोतरी है। इसे अगर आसान भाषा में कहें तो देश भर में हर साल 1 सितंबर को टोल टैक्स में बढ़ोतरी की जाती है, इसलिए इस साल भी वही फॉलो किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि टोल टैक्स में हुई ये मामूली बढ़ोतरी राष्ट्रीय राजमार्ग के शुल्क नियम 2008 के प्रावधानों के अनुसार होलसेल प्राइस इंडेक्स के आधार पर होने वाली ऑटोमेटिक प्रोसेस है। हालांकि देश भर में कई रिपोर्ट से हमें पता चला है कि ऐसे समय में टोल टैक्स बढ़ जाने से ट्रांसपोर्टर खुश नहीं है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि सरकार ने डिजिटल पेमेंट में बढ़ावा देने के लिए फास्टैग से जुड़े नए नए नियम लाती रहती है। ऐसे में वाहन मालिकों का या ट्रक मालिकों को ज्यादा परेशानी हो सकती है जो अभी तक या तो अपने फास्टैग लगवाए नहीं है या फिर लगवाने के बावजूद उन्हें बेहतर तरीके के साथ मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। उन तमाम वाहन मालिकों के लिए व्हीलजाय का फास्टैग काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। व्हीलजाय की सुविधा के जरिए आप सभी गाड़ियों का टोल एक ही बैंक खाते से आसानी से मैनेज कर सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल नंबर के साथ व्हीलजाय फास्टैग लिखकर हमें कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और बाकी वाहन मालिकों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें। धन्यवाद।